गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 17 मार्च 2023। डॉलर इंडेक्स अभी है 104.38। 15 मार्च को ये हाई गया था 105.10, वहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया ऑन 16 मार्च। That being the case, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट करना चाहिए इन बिटवीन 105-105.10 ऑन द हायर साइड एंड 103-50-103.60 ऑन द लोअर साइड। उसके बाद एक प्राइस कंसोलिडेशन के बाद क्या ये नीचे के तरफ 103.50 के नीचे ब्रेक डाउन करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। डॉलर रुपी कल आपका हाई था 82.86, अभी ये 82.57 पे है। देखने वाला बात ये है कि आपका डेली RSI टुक रेजिस्टेंस एट 60। दैट बीइंग द केस, इस एरिया 82.90-83 अगेन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस लेवल, एक्सपेक्टेड, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में फर्दर कोई झमेला ना हो जाए, नया कोई बैंक डिफॉल्ट की कगार में ना पहुंच जाए, नया स्ट्रेस एफआरएल बैंकिंग सिस्टम में ना पड़ जाए। GBP डॉलर 1.2110, आपका 15 मार्च में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया एंड आपका कल बाउंस बैक किया। 100% बाउंस बैक आया नहीं, पार्शियल बाउंस बैक। देखने वाला बात यह है कि इट टुक सपोर्ट ऑन द सेंटर बेंच। नाउ अभी हमें इंतजार रहेगा हाई, यानी रिसेंट स्विंग हाई व्हिच इज 1.2205, उसके हाई के ऊपर आवर्ली बेसिस पे क्लोज देना है। देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट GBP टू मूव हायर। GBP INR सिमिलरली कल एक छोटा स्मॉल बॉडी कैंडल बनाया हुआ है, अभी क्लैरिटी बाकी है। जब तक एक तो है रिसेंट स्विंग हाई दैट इज 100.45 के ऊपर क्लोज ना दे, एंड ऑल्सो RSI टर्म्स में जब तक 60 के ऊपर ना चला जाए तब तक थोड़ा सा हेजिटेशन रहेगा। यूरो डॉलर कल कंसोलिडेट किया एट लोअर लेवल्स एंड पार्शियली बाउंस बैक किया फ्रॉम द लॉसेस इट ट्रिगर्ड ऑन 15 मार्च आफ्टर क्रेडिट स्विस बैंक वॉज जस्ट अबाउट टू डिफॉल्ट। अभी हमें देखना है कि प्राइस 101.05 के नीचे क्लोज ना दे, रेदर ये ऊपर की तरफ जाए, 1.0750 के ऊपर जाए। व्हाई? बिकॉज एक्सपेक्टेशंस यही है कि डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ जाना जा सकता है। सो दैट मीन द केस अभी 101.05 एंड 1.0760 के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए। देयर आफ्टर क्या ये हायर लो फॉर्मेशंस बनाता है? यूरो INR कल एक स्मॉल बॉडी डोजी कैंडल बनाया हुआ है, सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगा। ऑन द हायर साइड 88.75, ऑन द लोअर साइड 86.50। उसके बाद हमें देखना है कि प्राइस किधर जा रहा है। डॉलर येन अभी है आपका 133.43, कल लो ट्रेड किया 131.71, वहां से बाउंस बैक किया एंड अ कैंडल जो बनाया हुआ है वो कैंडल है आपका एक पिन बार कैंडल। इसका मतलब अभी जब तक इस पिन बार के लो के नीचे क्लोज ना दे, इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट लेवल। सो अभी ऑन द हायर साइड 136.50 एंड ऑन द लोअर साइड 131.80, इसके बीच में थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट करना चाहिए। उसके बाद जैसे ही एक क्लैरिटी आएगा, एक डायरेक्शंस पकड़ेगा, उसके बाद हम एक ट्रेंडेड मूव के लिए प्रयास कर सकते हैं। आपका येन INR पे कल एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है, इट ट्रेडेड हाई ऑफ 62.79, अभी है 61.92। ये प्राइस हेजिटेशंस ऑन द हायर साइड, यानी इसको अगर जाना है ऊपर की तरफ, पहला तो ये हाई को तोड़ेगा, रिसेंट कल का जो हाई है,
ऑल्सो आपका जो ये RSI रेजिस्टेंस है एट 60, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ये अगर ऊपर की तरफ जाएगा कब जाएगा, जब डॉलर येन इस पिन बार के लो के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा। डॉलर कैंडी प्राइस कंसोलिडेशंस कर रहा है ऑन द हायर साइड 138.60, ऑन द लोअर साइड आपका 136.50 के बीच में। एक नजर इसका हायर टाइम फ्रेम देख लेते हैं डॉलर कैंडी का। ये आपका वीकली बेसिस पे ये डबल टॉप फॉर्मेशन है, यानी 138.80 से 140.00 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस जोन। एंड क्या ये करंट लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा, ये हमें देखना है। मंथली टर्म्स में आउटसाइड इन साइड बोलिंजर बैंड का अंडर फॉर्मेशन से, क्योंकि मंथली अभी भी जस्ट 15 दिन ही हुआ है और 15 दिन बाकी है। ये आउटसाइड इन साइड के बाद क्या ये नीचे की तरफ आता है ऑन ए मंथली टाइम फ्रेम, लॉन्गर टाइम फ्रेम होराइजन पे, ये हमें देखना पड़ेगा। ऑसी डॉलर 0.6665 ये कंसोलिडेट कर रहा है, 0.67 ऑन द हायर साइड एंड 0.6570 ऑन द लोअर साइड। जब इसको इस रेंज से ब्रेकआउट करना पड़ेगा। एक छोटा चीज जो देखने वाला है ये RSI आपका सपोर्ट ले रहा है 40 लेवल पे, नॉट एग्जैक्टली एट 40 बट हियर एट 37.11। दैट बीइंग द केस, ये आने वाले दिनों में इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को अगर तोड़ देता है और दिस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन को भी तोड़ता है ऑन द हायर साइड, देन ये रेन शिफ्ट कहलाएगा एंड ऑसी डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू बाउंस लिटिल बिट ऑन द हायर साइड। CNH 6.8850 ये आपका 13th मार्च के सेल ऑफ के बाद छोटा छोटा बॉडी कैंडल में बाउंस करने का प्रयास कर रहा है। जब तक 13th मार्च के लो के नीचे ट्रेड नहीं होता है तब तक सेल ऑफ नहीं रहेगा, थोड़ा सा रेंज बाउंड हेजिटेशंस रहने का एक्सपेक्टेशंस है। यूके ऑयल कल एक पिन बार बनाया हुआ है, अभी है 74.40। पिन बार का कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि इसका लो इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट। एक बार अगर ब्रेक डाउन कर गया तो काफी नीचे आ जाएगा, अदरवाइज इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट लाइन। दैट बीइंग द केस, थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेशन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। US 10-year ट्रेजरी कल अच्छा खासा लो लेवल से बाउंस बैक किया, आपका 3.38 लेवल से बाउंस बैक करके ऊपर गया एट आपका 3.583, अभी 3.59 लेवल्स में है। दैट बीइंग द केस, ये प्राइस थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। जब तक आपका 22nd मार्च फेड रेट डिसीजंस नहीं होता है तब तक इस टाइप का वॉलेटिलिटी रहेगा, उसके बाद ही हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।